जय श्री कृष्णा दोस्तों, डागर की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज आलू दही तड़का। अगर आपका कोई सब्जी बनाने का मन नहीं है या फिर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये 2 आलू लिए हैं जिनका छिलका निकाल दिया है और इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो आलू आप देख सकते हैं कि हमें कितने बारीक करने हैं। साथ में ही हमने एक प्याज ली है, प्याज का छिलका निकाल कर इसे स्लाइस में कट कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और एक करी पत्ता लिया है, तो करी पत्ता भी यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज़ करें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, कोई भी पैन ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी लेंगे। उसे अच्छे से गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसमें जो हमने आलू चॉप करके लिए थे उनको ऐड कर देंगे। और आलू के ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच या 1 चम्मच के करीब नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे यहाँ पर। मतलब हमें इन्हें सेलो फ्राई कर लेना है। तो जब तक हमारे आलू सेलो फ्राई हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो लेते हैं, जो मेन है वो है यहाँ पर ये दही। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी दही ली है। दही को हल्का सा फेंट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंट रही हूँ मैं, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी फेंट सकते हो, बाकी मैं इसे हल्का ही फेंटूँगी जिससे कि इसमें छोटे छोटे जो दाने होते हैं वो दिखाई दें, जैसे खाने में भी टेस्टी लगे और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दही है उसको भी हमने यहाँ पर फेंट लिया है। अब हम देखते हैं आलूओं को, आलू हमारे यहाँ पर कुक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू हमारे यहाँ पर बढ़िया से कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें किसी प्लेट में अलग निकाल लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आपको आज की मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू हमारे पक चुके थे तो इनको हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम कढ़ाई में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे और ऑयल को यहाँ पर अच्छे से गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गरम होगा इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच राई के दाने, साथ में ही ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा और उसी के साथ में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग। वैसे हींग डिपेंड करती है कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी हींग अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो फिर थोड़ी ऐड करें, वरना आप थोड़ी एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे और 8 से 10 करी पत्ते ऐड करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम 6 से 7 सेकंड के लिए अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। तो उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। तो प्याज को भी इसमें अच्छे से हमें फ्राई करना है, प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए उसके लिए इसके ऊपर 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, साथ में ही 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। बाकी आप इसमें और भी तीखा बढ़ा सकते हैं, जितना तीखा आप खाते हैं उतना तीखा इसमें ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो ऑयल की मात्रा है वो कम रखी है, आप इसमें ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, घी डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर अच्छे से पक चुकी थी। उसके बाद अब हम इसे दही के ऊपर ऐड कर देंगे और दही में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही में इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ हल्का सा, मतलब 1/2 चम्मच चाट मसाला। ये यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ऐड करें, आपको पसंद हो तो ऐड करें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। यकीन मानिए ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार बनाने के बाद दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इस रेसिपी को जरूर ट्राई और इंजॉय करें।